ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। मोदी, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अभी मेरा नीट पे फोकस है, हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। ये मंत्री रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को, ये बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का है, जिन्होंने नीट के पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव के साथ साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी नीट मामले में बीजेपी सरकार पर चुभने वाला प्रहार किया। दरअसल संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। आज लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक का मामला उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के चलते कई छात्रों की मौत हुई। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के कोई साफ सबूत नहीं है। फुल मेंबर हैज रेज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर लीक इन लास्ट 7 years 70 टाइम्स। सर, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड लाइक टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ हाउस थ्रू यू सर, देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक इन लास्ट 7 years। वहीं इस दौरान सपा नेता अखिलेश यादव ने नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा, ये सरकार कोई रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, लेकिन ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। चलिए राहुल गांधी का भी बयान सुन लीजिए कि नीट के मुद्दे पर आखिर उन्होंने किस तरीके से सरकार को घेरा है। इट्स ऑब्वियस टू द होल कंट्री दैट देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आवर एग्जामिनेशन सिस्टम। This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. अभी मेरा NEET पे focus है, क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे।